यहाँ पे लेके आना है, जिस मतलब भी प्रकार का शिकायत है, मेरा भी शिकायत है, तो लेके आ जाए, हम लोग सुन लेंगे उसको भी। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आजकल बिहार में जनता दरबार काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे राज्य के मुखिया नीतीश कुमार हो, वे भी जनता दरबार लगा रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में भाजपा कोटे से जितने भी मंत्री हैं, वे लोग भी पार्टी कार्यालय पटना में जनता दरबार लगा रहे हैं। और अब जाके हम आपको बताते चले कि रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार भी जनता दरबार कार्यक्रम अब शुरू कर चुके हैं। इनका जो पहला जनता दरबार लगाया गया था, वो चेनारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ पर स्थित गाँव है रेहल, वहाँ पर इनका जनता दरबार लगा था। और वहाँ पर जनता की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया, ऑन द स्पॉट उनका समाधान किया गया। आज उनका दूसरा जो जनता दरबार कार्यक्रम था, नोखा प्रखंड कार्यालय परिसर में था। और जिलाधिकारी महोदय, तमाम जो भी जिला के सभी विभाग के पदाधिकारी हैं, चाहे वो DDC हो, SDM सासाराम, साथ साथ DO रोहतास, उसके बाद अगर हम बात करें तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी समेत तमाम बड़े पदाधिकारी आज इस नोखा प्रखंड कार्यालय में जिलाधिकारी के साथ पहुंचे थे। और वहां पर मुख्य उद्देश्य इस जनता दरबार का यही था कि जो भी लोग की समस्या है, जो लोग कलेक्टरेट नहीं आ सकते, जो लोग जिलाधिकारी के पास आकर अपनी समस्याओं को नहीं रख सकते थे, उनके लिए ये जनता दरबार लगाया गया था। और जिलाधिकारी के द्वारा एक प्रयास है कि जो भी लोग पहले पब्लिक और प्रशासन के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां हुआ करती थी, इसको थोड़ा सा कम किया जाए और लोग डायरेक्ट अपनी समस्या सीधे उन तक पहुंचाएं और उनका निराकरण भी हो सके। क्योंकि उनका कहना था कि कभी कभी ऐसा हमेशा देखा जाता है कि ब्लॉक स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं, वे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी व्यक्तियों की कुछ समस्याएं हैं, उसका समाधान नहीं कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनता दरबार कार्यक्रम शुरू किया गया। और आपको हम बताते चले कि आज के नोखा प्रखंड कार्यालय के जनता दरबार में करीब करीब 2000 से भी ज़्यादा लोग जुटे थे। और इसमें आपको बता दें कि 500 से 700 के आसपास फरियादी टोटल थे, जिसमें से 200-250 का पहले ही मतलब उनका फरियाद जो था सुन लिया गया था और उनका निराकरण भी कर लिया गया था। और आज तकरीबन 500 के आसपास फरियादियों की फरियाद सुनी गई, आवेदन के माध्यम से कई लोगों की फरियाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं सुना गया। इसके साथ साथ आपको इस जनता दरबार के बारे में विशेष अगर हम बताते चलें तो आज के इस जनता दरबार में टोटल 27 स्टॉल लगाए गए थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के। उद्योग विभाग का अलग था, राशन कार्ड डिपार्टमेंट का अलग था, पंचायती राज का निषाद निश्चय योजना का अलग था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग से रिलेटेड अलग स्टॉल था, सही तमाम टोटल कुल 27 स्टॉल लगाए गए थे। और वहाँ पर उस विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी बैठे हुए थे और जिस लोगों की नोखा प्रखंड अंतर्गत जो भी लोगों की समस्या थी जिस विभाग से रिलेटेड, वो उस काउंटर पर जा करके, उस स्टॉल पर जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते थे। हालांकि हम आपको बता दें कि आज जनता दरबार जैसे ही जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज की जनता दरबार के उद्घाटन किया गया, उसके बाद बारिश आ गई और बारिश के बीच कुछ समय के लिए जनता दरबार कार्यक्रम को रोकना पड़ा। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बारिश धीमी हुई, जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं निकलकर बारिश में भीगते हुए बहुत सारे फरियादियों के फरियाद सुनते नजर आए। और चलिए देख लेते छोटी सी वीडियो क्लिप को। अभी साइकिल बैटरी वाला नहीं आया, बैटरी वाला साइकिल आ जाएगा तो हम लोग पहले इसी को देंगे, ठीक ना। नाम नोट करवा लीजिए, से देते हैं हम लोग दोनों के लिए। अभी नहीं हुआ, एक बार करके बताओ, सुनेंगे।
राशन कार्ड का एक अभी आपने देखा इस वीडियो क्लिप को, आपने स्पष्ट तौर पर देखा है किस प्रकार से बारिश में भीगते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं फरियादियों की फरियाद सुनी जा रही है। साथ ही साथ आपने ये भी स्पष्ट तौर पर देखा कि एक फरियादी जो कि दिव्यांग थे, उनकी फरियाद सुनने के लिए जिलाधिकारी महोदय स्वयं जमीन पर बैठ गए और उनको समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि कार्यक्रम समापन होने से पहले जिलाधिकारी महोदय ने संबोधन के रूप में क्या कुछ कहा नोखावासियों को, आइए सुनते हैं। आप सब लोगों ने निश्चित रूप से काफी ध्यान दिखाया है। हम तो जब आए थे और जब उनका शुरुआती संबोधन हुआ उसके बाद से जो यहाँ पे वर्षा पात हुई है वो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन तब भी आप लोग उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, यही बात इस बात का साक्षी है कि इस प्रकार के लोग शिकायत कह रहे थे, इस प्रकार के लोग शिकायत कह रहे की आवश्यकता नोखा जैसे क्षेत्र कितनी ज्यादा है और ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसके लिए आप लोग समाधान नहीं आ पाते हैं। बहुत से लोग जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, जिनके पास थोड़ा सा अपना सोचिए आवाज है, उनकी समस्याएं तो समाधान तक आ जाती है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा वंचित वर्ग के हैं, जो लोग सही में जिसकी आवश्यकताएं हैं वो लोग समाधान नहीं आ पाते हैं। तो आज का कैंप हम लोगों ने उसके लिए ही लगाया था और आज के कैंप में आने वाली आप लोगों की भीड़ को देख के लगता है कि जो हम लोग का उद्देश्य था वो एक हद तक सफल है। एक हद तक सफल इसलिए मैंने कहा क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान तो एक दिन में होना संभव नहीं है। एक आपको अभी हमने यहाँ का डाटा देखा है तो हम लोगों ने जो भी फर्स्ट कार्यक्रम रेखा में हुआ था, रेखा के बाद हम लोगों ने वहां से कुछ सीखा और वहां की सीख को नोखा में हम लोगों ने अप्लाई किया। तो वहां पे हम लोगों ने सीखा कि बहुत से लोग आ रहे थे और उसी दिन आ रहे थे, समस्याएं उस हद तक सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो इस बार हम लोगों ने एक समझे अलग मोड रखा कि हम लोगों ने ब्लॉक में सिंगल विंडो सिस्टम बना लिया, जहां पे कि एक स्टाफ लगा दिया गया कि आप जितने भी यहां पे लोग आए उनकी समस्याओं को आवेदन को नोट करें। तो मेरे पास उनका डाटा आया था 420 के आसपास लगभग एप्लीकेशन था, 479 एप्लीकेशन हम लोग के पास जो है वो जब तक आपका कैंप नहीं हुआ, जब तक शुरुआत नहीं हुआ था, 484 आवेदन हम लोग पास आए थे। तो लगभग 500 आवेदन जो है कैंप शुरू भी नहीं हुआ था और आ चुका था। जो हमारे पास यहाँ के अधिकारियों ने संख्या रखा है, लगभग 320 आवेदनों का निष्पादन हो चुका है, 320 का निष्पादन हो चुका है, 164 आवेदन अभी लंबित है, जिनका की आश्वासन दिया गया है इनके द्वारा कि अगले 10-15 दिनों के भीतर जो है इनका भी निपटान हो जाएगा। तो ये तो फिर सामान्य आवेदन जो हमारे पास आए थे, सिस्टम से आए थे, वो थे। उसके बाद हम लोग उम्मीद थी कि आज का जो कैंप होगा उसको बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी कितनी संख्या में लोग हैं और जितने भी काउंटर हैं हमारे, लगभग सभी जगहों पर लोगों की समान संख्या थी। तो हमें लगता है कि बहुत लोगों को जानकारी होगी कि आज लगेगा क्या, तो उसके कारण से भी बहुत से लोग आए हैं। तो हम लोग समस्याएं देख रहे हैं तो बहुत सी समस्याएं तो हमारा स्पेसिफिक है, लेकिन मूल रूप से दो समस्याएं आपने हम लोगों ने देखी। एक तो आवास योजना का, कहीं ना कहीं भ्रम फैला गया होगा कि आवास योजना का लाभ मिल रहा है, तो जो हम आज भीड़ देख रहे हैं उसमें बहुत से लोग आवास योजना के हैं और सेकेंड भी हम लोगों ने देखा है राशन कार्ड वाला। तो राशन कार्ड में हुआ क्या था कि यदि हम लोग जिले की लाभार्थियों की संख्या देखें तो जिलों की लाभार्थियों की संख्या 270,000 के आसपास होगी लगभग, यहाँ पे मेडिकल सिस्टम नहीं है, हाँ मतलब लगभग 2 लाख के आसपास है, आप समझ जाइए।
और जब आप आबादी के हिसाब से देखिएगा तो ये संख्या जो है वो सबसे है। लेकिन जैसे कि हरेक सूची में कुछ न कुछ समस्याएं आती है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम सूची में नहीं रहना चाहिए। समृद्ध लोग हैं, धनवान लोग हैं, सरकारी नौकरी में भी कोई है उनका भी नाम सूची में है। और कुछ लोग जो कि वंचित लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग गरीब लोग हैं कि उनका कोई सहारा नहीं है, उनका नाम भी सूची से बाहर है। बार बार सरकार के स्तर से इसको सुधारने की कोशिशें की जाती रही है और हम लोग अभी उसी फेज में है, उसी दौर में है। तो हम लोग देख लीजिएगा कि हम लोग राशन कार्ड तभी नाम जोड़ पाएंगे जबकि थाना के लोगों का नाम हटा पाएंगे, क्योंकि राशन कार्ड जो होता है फिक्स होता है। मान लिया जाए कि 100 व्यक्तियों का राशन कार्ड है तो राशन जो आता है राज्य से और फिर जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है तो वो फिक्स आवंटन आता है। तो 100 का 100 ही आवंटन आएगा। यदि हम लोग सभी को जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि जो लाभुक है उसको भी राशन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग का आवश्यकता इस बात का होगा कि जो लोग सही लाभुक नहीं है, जो लोग की एक सामने वाले व्यक्ति का हक मान रहे हैं, हम लोग उसका नाम जो है सूची से हटा दें और उसका नाम सूची से हटाए और उसके साथ जो भी आवश्यक लोग हैं लोग हैं उसका नाम हम लोग सूची में डाले। तो हम लोग को दोनों का सरासरा करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ इतने लोग हैं और हम लोगों से औरतों का नाम देखा तो एक ही लगा मिलना चाहिए। तो जितने भी एप्लीकेशन है उसको देख लीजिए और आप लोगों से आग्रह है कि यदि कहीं भी कोई भी फालतू का कोई भी डिमांड करता है तो जैसे आप लोग यहाँ आ सकते हैं मेरे यहाँ पे हमारे समाहरणालय में भी आ सकते हैं। और ये मैसेज सभी के लिए जितने अधिकारी हैं हमारे जितने भी कर्मी हैं कि लोगों को फालतू का हरास निराश मत कीजिए। सरकार का ये जो है वो यही से बनता है, ब्लॉक और आपका अंचल का भ्रष्टाचार होता है वही भ्रष्टाचार हम लोग का ये जनता के बीच में लेकर के जाता है। जब वो जाति आय निवासी के लिए दौड़ेगा तो फिर वो स्वयं सोच सकता है कि सरकार या फिर समाहरणालय में बैठे जनता पदाधिकारी करते हैं। तो आप सब लोगों से उम्मीद रहेगी कि बिल्कुल जनता के लिए आप फ्रेंडली शासन दीजिए, नहीं तो फिर हमें काफी सही नहीं लगता है जब आप लोगों का नौकरी बर्खास्त करते हैं और आप लोग सेवा समाप्त करते हैं। इसलिए इंक्वायरी लेते हैं क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा फैमिली रहता है। अभी जितने भी आवास सहायक सस्पेंड हुए हैं, जितने भी बर्खास्त हुए हैं तो उनके बाद के फैमिली के लोग आते हैं, माँ आती है, उनकी वाइफ आती है और बोलते हैं कि सर वो आजीविका का साधन नहीं है। तो जब सरकार ने आजीविका का साधन आपको दे के रखा है तो फिर लोगों को निराश मत कीजिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार शासन हम लोगों को देना है, लेकिन उसके साथ साथ सामान्य लोगों को भी समझना होगा कि ऐसा नहीं कि आपकी समस्याओं का समाधान हम एक ही मिनट करेंगे। अंचल के पास
मुश्किल से आपके रेट में जो इनके पास चला होगा 7 या 8 शराब होगा, हल्का कितना है आप समझ लीजिए, 14 ग्राम है और इनके पास जो राजस्व चलानी होता है वो इनके पास 2 ही तरह चलानी है। अब आप समझिए कि 7 लकड़ा का चाहिए और उसको जाति आय निवासी से लेकर के उसको जितना भी काम है हम ये सलाह बोलते हैं। इसके साथ साथ आप लोग जो है इंक्रोचमेंट करने लगे हैं, आप लोगों ने समस्याओं को रखा है, यहाँ तीर नहीं लग रहा है, तो वो भी काम से नहीं लेना है, तो हम लोग ये काम ले रहे हैं और जितना भी हम लोग का अधिकतम शक्ति है वो हम लोग लेकिन समस्याओं के समाधान में थोड़ा समय लगेगा, आप लोग धैर्य रखिएगा, हम लोग यहाँ उसी के लिए है। इसके साथ सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, इसका लाभ आप ले रहे हैं। मेरे पास जब आप ये जब आप लगाते हैं तो आप ये योजनाएं बोलते हैं इससे कुछ नहीं मिल रहा है, जब हम उसके बाद पूछते हैं तो मेरे पास कड़ा लगा मिल रहा है तो बराबर मिल रहा है, उसके बाद रास्ता मिल रहा है तो दूसरे लोग बोलते हैं रास्ता मिल रहा है, उसके बाद सरकार की इतनी योजनाएं हैं और उसका लाभ आप सब लोग ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं5 लाख लोगों ने आवेदन दिया है, 7 लाख लोगों के आसपास है, 5 लाख लोगों को दिया है और समझिए कि 100 लाख लोग अभी जो है आवास नहीं करा, क्या संभव है, सोच सोचिए जिला में बहुत मुश्किल से घर वगैरह तो 5 लाख घर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा और इतना लोगों को आवास योजना का लाभ सरकार 20 सालों से दे रही है और 7 लाख लोग दे रहे हैं नहीं दे रहा है, बहुत से समर्थवान लोग भी दे रहे हैं, तो उसका जब तक जवाब अच्छे से नहीं होगा तब तक लाभ पता चला कि अगले दिन तो हम लोग का लिस्ट तैयार हो गया है और हम लोग जांच कराएंगे। आप ही आपको ये बताना चाहिए कि सदर वार्ड नंबर 10 से मेरा यहाँ पे सदर हकीम पे ये सीट लिया है, सदर 60 घर में स्टार्ट हुआ था, 20 घर नहीं मिल रहा है, तो मतलब ऐसा बताइए कि थोड़ा सा सही से चला जा पाएगा, यदि आप लोग एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देंगे तभी थोड़ा सा चार्ज हम आपको पाएगा और हमको उम्मीद है कि इस टाइप का कैंप लगेगा, और उसके बाद की दुनिया जो भी बनी, नहीं बोल रहे हैं यहाँ के लोगों ने सभी दुखों के आपको दूर ही कर दिया,
ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो समस्याएं आपको तो रही ही थी, लेकिन जितना भी हो पाया हम लोगों ने, हमारे डॉक्टरों ने जितना भी हो पाया अपनी सेवा दी है आप लोगों को, लेकिन फिर भी 229 लोगों का डेथ जो है वो पूरा का पूरा आईटी के साथ हमारे पास है, और उनको राज्य सरकार की ओर से जो है सहायता राशि जो है 4 लाख की जा रही है, 4 लाख की सहायता राशि जो भी देने को दिया जा रहा है, लगभग 57 लोगों को हम लोगों ने दे दिया है, 57 को दे दिया है, बाकी सबको भी अंचल अधिकारियों को निर्देश है कि लेकिन उसका हम लोग कुछ नाम नहीं है, तो हम लोगों ने उसके लिए भी ऑप्शन रखा है कि आप सभी डॉक्यूमेंट को हॉस्पिटल में दे, हमें उसका सत्यापन होगा और हम लोग आप देंगे। इसके साथ वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, वैक्सीनेशन का मोखा में काफी अच्छी गति है, मोखा की स्थिति ये है आपके देश में कि हम लोग यहाँ पे चाहे हम लोग 1.5 हजार वैक्सीन ले लें, 2 हजार वैक्सीन ले लें, दिन को 12-12 बजे तक जो है फोन हमारे पास वीडियो कॉल पर आ जाता है कि सर वैक्सीन खत्म हो गया। ये लोकतंत्र में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता है आप लोगों का, कि यहाँ जितना भी वैक्सीन ले लिया जाए समाप्त हो जाता है, आप लोगों को भी जानकारी है कि अभी जो है ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा वैक्सीन हम लोगों के पास है और हम लोग जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग वैक्सीन जो है रात के स्तर से प्राप्त होता है और रात में भी वैक्सीन नहीं बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से वैक्सीन रात को आता है, रात हमें देता है, तो हम लोग उसी में यहाँ देते हैं, तो वैक्सीन उपलब्धता के हिसाब से हम दे रहे हैं और फिर उसी के हिसाब से वैक्सीनेशन हो रहा है, इसी क्लाइमेट की जागरूकता को बनाए रखिए आप, ठीक है ना, और वैक्सीनेशन वैक्सीन हम प्राप्त होते हैं तो हम लोग देते हैं आपको सौंपे जाए थे और उसके लिए भी बहुत ज्यादा अल्लाह का नहीं कर रहा है, लेकिन जब किताब देखे तो अल्लाह का पता अल्लाह होता है, तो बाकी औसत तो होटल कुछ है, हमको थोड़ा सा ये लगता है चलो लोगों के लिए जागरूकता इतनी ज्यादा है कि लोग वैक्सीन का डिमांड कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की अगर हमारे साथ होता है, बाकी जितने भी एप्लीकेशन आए हैं सबका सब हम लोगों ने नोट डाउन करा दिया है, साथ में हम सबसे रिपोर्ट देंगे और हम लोग जो है जिला स्तर पे भी मॉनिटरिंग करते हैं, आपको नहीं चलाते हैं हम लोग कोटी बेस के बाद जिला स्तर पे डिपार्टमेंट वाइज बात करेंगे कि नोखा में जो कैंप लगा था तो आपकी तो इसके लिए फिर से मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ और जितने भी काउंटर हैं हमारे सभी काउंटर में सभी स्टाफ अधिकारी रहेंगे, जब तक कि यहाँ से सरब लोग नहीं चले जाए, जितने सीनियर लेवल अधिकारी हैं वो सरब लोग अभी यहाँ पर रहेंगे, डीबीसी की तरफ जो सरब के पास आप लोग लेने कोई गंभीर समस्या होगी स्वयं बात करके आप लोग यहाँ के पास समस्या रख सकते हैं, मेरा एक तरह का डिपार्टमेंट है अभी एक तरह से नहीं है इसलिए तो हम पूरे दिन में कर जाएंगे यहाँ से, लेकिन फिर से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ मैं बिल्कुल आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये जो आप लोग आए हैं आप लोगों को फायदा इसका होगा, इतना व्यक्ति ने कुछ बोलने के इच्छुक थे उनके दिमाग को रखा था तो आप अलग से अपने दिमाग को रख दिएगा तो हम सुन ले गए आपकी बातों को, लेकिन सर हम लोगों की बातों को वन टू वन मेरे देश की बात संभव नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम हम लोगों को फायदा मेरा यही निर्देश है और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने बात को यही पे विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आपने सुना डीएम धर्मेंद्र कुमार के संबोधन को, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि इस जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे एक यही उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कलेक्ट्रेट नहीं आ सकते थे, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए ये जनता दरबार कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ स्पष्ट तौर पर बताया कि अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती थी कि ब्लॉक लेवल के जो भी अधिकारी हैं, BDO CEO वगैरह, वे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या फिर जनता के समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वे स्वयं ब्लॉक में आएंगे तो इससे ब्लॉक लेवल का अधिकारियों में भी एक भय बना रहेगा और जनता की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते रहेंगे। अब जब हमने बात किया जिलाधिकारी महोदय से इस जनता दरबार कार्यक्रम से रिलेटेड, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। सर, आपके द्वारा जनता दरबार लगाया जा रहा है, इससे कितना ज़्यादा लोगों को फायदा मिलेगा? देखिए, हम लोगों ने इसको जो है रेहल से स्टार्ट किया गया था और आज सेकेंड टाइम नोखा हम लोग आए हैं, तो लोग शिकायत कैंप है और इसका फ़ायदा लोगों को हो रहा है या फिर ये ऐसे ही है, इसके बारे में लोगों से राय लेंगे तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। लेकिन हम लोग का ये सोच है, उद्देश्य है कि लोगों को उनके घर पे ही, ब्लॉक में ही आकर के समस्याओं को सुने और उसमें सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, सभी का स्टॉल लगा हुआ है, सभी के जो कि जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो सभी उपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। सर, शिकायत का सर इतना दर है, तो सर किस योजना को लेकर के ज़्यादा शिकायतें आपको सुनने को मिली? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आप लोगों ने भी देखा होगा आवास योजना का लाभ लेने जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा लोग आए हैं। तो उसका एक सिस्टम होता है, सूची बनता है, सूची में लिस्ट के अनुसार हम लोग लाभ देते हैं। 16 का सूची जो बना था वो सेचुरेट हो चुका है, तो हम लोग फ्रेश 125,000 लोगों का फिर से सूची रेडी हुआ है, उसकी जांच कराई जा रही है। तो एक तो खैर आवास योजना का था, सेकेंड था राशन कार्ड से संबंधित। तो राशन कार्ड का भी ज़िले में जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है, लेकिन हम लोग फिर भी उसके बाद भी देख रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हासिल हो पाए वो यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा होगा और सरकार भी उन्हीं लोगों के लिए है, तो हम लोग की भी इच्छा है कि उनको फ़ायदा हो। सर, रेहल के बाद ये नोखा का दूसरा शिविर है, सर ये कहाँ तक फ़ायदा हो पहुँचेगा? सर, अब मैंने शुरुआत में ही कहा लोगों से इस बारे में राय ले लीजिएगा तो वो ज़्यादा उचित होगा, लेकिन हमारे सभी स्टाफ और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो कम से कम हम लोगों को इतना ये फ़ायदा है कि जितने भी हमारे स्टाफ ग्रास रूट के हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का आइडिया है कि उनके जो भी सीनियर हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो कम से कम लोगों को सुनेंगे वो। जैसे समस्याएं कभी कभार उठ के आती है कि लोग जो हैं ब्लॉक जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है, डांट दिया जाता है, तो ये तो समस्या निश्चित रूप से दूर होगी, बाकी उनकी समस्याएं जो कि सॉल्व होने लायक है वो तो दूर होगा ही होगा। कुछ तो ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि हम लोगों से भी निदान संभव नहीं है, उसका भी हम लोग देखेंगे यथासंभव जितना सहायता हो पाएगा वो। सर, जनता से यहाँ पे लेके आना है, जिस मतलब भी प्रकार का शिकायत है, मेरा भी शिकायत है, वो लेके आ जाए, हम लोग सुन लेंगे उसको भी। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार को उन्होंने स्पष्ट रूप बताया कि जनता दरबार कार्यक्रम आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा और लोगों की समस्याओं का निराकरण होते रहेगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ, धन्यवाद।